Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, we are learning chapter number 14, practical geometry. In last class, we have completed question number 1 to 5 of exercise 14.5. In this class, we are going to complete our exercise 14.5. So let's start from question number 6. Aye, question number 6 dekhte hain kya hai? Draw a circle with center C and radius 3.4 centimeters. जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि हमने कैसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या है 3.4 सेंटीमीटर. ड्रॉ एनी कोण एबी, कोई भी एक कोण एबी लेनी है. कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी एंड एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी. आपको कंस्ट्रक्ट करना है उस एबी कोण का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. जो हमने प्रीवियस 5 क्वेश्चन सीखे थे उनमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाया था, तो इस बार हमें सर्कल के अंदर बनाना है. तो डजंट मैटर लाइन सेगमेंट कहीं भी हो, हम उसका क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम उसी प्रोसेस से करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, आपको 3.4 सेंटीमीटर का एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है और इसको सेंटर देना है, का नेम देना है सी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एबी कोण बनानी है. एबी कोड आप कहीं भी बना सकते हैं. कोड का मीन क्या होता है, टू ज्वाइनिंग पॉइंट्स एट द एंड ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस पे कोई टू ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं. तो मैंने सपोज मान लो यहां पे मैंने कोड बना दी, इसको नेम दिया एबी. ओके, अब मुझे इसका क्या कंस्ट्रक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करना है. तो वही मोर देन हाफ खोलेंगे, ओपन करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एक आर्क देंगे. सिमिलरली बी पॉइंट से भी मोर देन हाफ ओपन करके आर्क देंगे. जब हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो वो आपसे ये पूछ रहा है, एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी. तो हम लिखेंगे यस, ये किससे पास हो रहा है, सी से पास होगा, डेफिनेटली होगा. कोई भी कोण हो, कहीं पे भी हम ले लें, अगर हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो वो किससे पास होता है, उसके सेंटर से पास होके जाता है. क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को कंस्ट्रक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेप्स रिपीट करने हैं. इफ एबी हैपेंस टू बी अ डायमीटर, अब क्या करना है, जो एबी हमारा था वो हमने पहले कोड लिया था, अब हमें कोड लेना है, बट वो कोड कौन सा है, स्पेशल कोड है जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर. और डायमीटर क्या होता है, विच पासेस थ्रू द सेंटर. तो आप क्या करोगे, सिमिलरली सेम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंपास, और इसकी रेडियस है अगेन 3.4 सेंटीमीटर. इस बार आपको डायमीटर, तो ये हमारा जो सी है यहां लिख देते हैं, अब हमें इसे डायमीटर बना दिया. ओके, नेम दे दिया एबी, क्योंकि इस बार ये भी हमारा डायमीटर है. अगेन हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है. देखो इसका सेंटर पॉइंट है ना, मींस मिड पॉइंट है एबी का, तो डेफिनेटली इससे पास होगी तो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट हमें शो करना है. तो हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे कंपास को, वन आर्क फ्रॉम ए फ्रॉम बी, सिमिलरली बी से भी और अपर साइड भी और डाउन साइड भी. अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो आपका सेंटर में से ही होके जाएगा. ठीक है, तो जब आप इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे आपके सेंटर से होके जाएगा, और आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. ओके, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 6 and 7. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो देखना आप किस तरीके से बनाएंगे. 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कोण, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोण्स, वेयर डू दे मीट. तो आप जब ने हमने इसको एक सेंटर पॉइंट को नेम दिया सी, हमने ये 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और इसको ना एम दे देते हैं ए, कोई भी नेम दे सकते हैं. इसके बाद आपको टू क्या बनाने हैं, कोर्ड्स बनाने. तो आप कोई भी टू कोर्ड्स बना लीजिए, एक ले लिया हमने पी क्यू और एक सेकंड कोर्ड ले ली हमने एम एफ. आपको इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, वही प्रोसेस
हम अपने कंपास को मोर देन हाफ खोलकर अपन लोअर साइड क्या लगाएंगे, आर्क, इस तरीके से आर्क कट करेंगे, तो ये जो आर्क हम नीट करेंगे ना, तो ये सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी, सिमिलरली इसको हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो वो भी हमारा कहां जाएगा, सेंटर से पास होकर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस में भी हमने ये चीज देखी थी। तो आपसे वो पूछे वेयर डू दे मीट, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां मीट करते हैं, वो सेंटर पे मीट करते हैं, तो हम लिखेंगे दे मीट एट सेंटर सी, या सेंटर ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ सेंटर का नेम दे रखा है सी, तो वो सी पे मीट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है स्टेप्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ, एक हमें एंगल ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स आपको ओ लेना है, ठीक है, हमने ओ ले लिया। अब हमें टेक अ पॉइंट ए ऑन वन आर्म, वन ऑफ इट्स आर्म एंड बी ऑन अनदर आर्म, आपको दो पॉइंट्स लेने हैं इन आर्म्स पे, ए और बी, ठीक है, और आपको क्या लेना चाहिए, उनका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो इस तरीके से आपको दो पॉइंट लेने हैं कि ओ ए और ओ बी की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी, आपको ओ ए और इनके ओ बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और वो एक पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो देखो हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस तरीके से सीखा था, इस तरीके से सीखा था, और हम ओबी का अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो इस तरीके से, हम इनको जब ज्वाइन करेंगे तो वो एक पॉइंट पी पे मिलते हैं, ये इस तरीके से पी पे मिलेंगे। इसके बाद पूछा है कि इस पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो आपको क्या करना है, पी ए की डिस्टेंस को मेजर करना है और पी बी की डिस्टेंस को मेजर करना है। जब आप मेजर करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट आपको इक्वल ही मिलेगा, तो आप आंसर में लिखेंगे यस पी ए इज इक्वल टू पी बी। जब आप इसका एक्चुअल मेजर करेंगे तो इस तरीके से आपको सेम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी दोनों की, क्लियर। आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.5। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 14.6। Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you, students.